Hello students, I Rachina Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Sharma Study House. Today we will solve 10th class English worksheet number 44 dated on 15 October 2020. As you all know, here you have to write your name and here you have to write your class teacher name. Today we will read about the thief story written by Ruskin Bond, and this is your chapter 2 in your book. फुटप्रिंट्स विदाउट फीट तो बच्चों आज हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो आपकी बुक है जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है उसका चैप्टर टू पढ़ेंगे थीफ स्टोरी हमने वर्कशीट नंबर फोर्टी टू में भी यही पढ़ा था आपको याद होगा द थीफ स्टोरी तो हम इसी को आज कंटिन्यू करेंगे हमने पढ़ा था कि अनिल सिंह जो एक राइटर है स्ट्रगलिंग राइटर है वो उसे किस तरह से हरी सिंह उस, उसे पूछता है कि मैं तुम्हारे काम कर सकता हूँ और उसे कैसे चोरी करने के लिए उसे अपना दोस्त बनाता है उसके यहाँ काम करना शुरू करता है तो बच्चे आ, अब हम पढ़ते हैं इसी स्टोरी को ही पढ़ते हैं आगे हम देर इज़ अ स्मॉल टाइम थी हरी सिंह बी फ्रेंड अनिल देखिए एक कुछ समय का जो हरी सिंह ने जो चोर है कुछ समय के लिए अपना दोस्त बनाया एक स्ट्रगलिंग ऑथर एक संघर्ष करते हुए ऑथर को राइटर को किस लिए क्योंकि वो उसे उसके यहाँ पर चोरी कर सके इसलिए इन द प्लान टू मेकिंग स्टील उसका प्लान क्या था कि वो उसे उसके यहाँ पर चोरी करके भाग जाएगा रेजुअली धीरे धीरे अनिल डेवलप ट्रस्ट इन हरी सिंह अनिल अनिल का अनिल का जो ट्रस्ट था वो हरी सिंह में डेवलप हुआ वो बढ़ गया अनिल धीरे धीरे हरी सिंह का विश्वास करने लगा बट हरी सिंह हैज़ बीन वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू रोब लेकिन जो हरी सिंह था वो सही समय का इंतजार कर रहा था सही मोमेंट बोलते हैं उस पल का सही पल का इंतजार कर रहा था कि जब वो अनिल को रोब मतलब लूट सके आफ्टर स्टीलिंग मनी ही पैसा चुराने के बाद ही ट्राइज टू गो अवे फॉर एवर उसने हमेशा के लिए दूर जाने की कोशिश की बट इनर वॉइस स्टॉप हिम लेकिन कुछ उसकी जो इनर वॉइस थी इनर बोलते अंदर की आवाज़ ने उसे रोक लिया ही रिटर्न टू अनिल वो वापस अनिल के पास लौट गया बिकॉज़ ही वॉन्ट टू लिव अ लाइफ ऑफ रेस्पेक्ट क्योंकि वो एक इज्जत की ज़िंदगी अब चाहने लगा था उसे लग रहा था कि उसे अब इज्जत की ज़िंदगी जीनी चाहिए जहाँ पर आदर हो उसका Anil does not show that he knows about the incident and accepts. देखिए अनिल सिंह नहीं दिखाना चाहता था कि उसे पता है जो इंसिडेंट हुआ था हरी सिंह विद ओपन आर्म्स हरी सिंह जो इसलिए उसने एक्सेप्ट हरी सिंह विद ओपन आर्म ये पूरा सेंटेंस यहाँ तक है हरी सिंह नहीं, ये देखिए अनिल दिखाना नहीं चाहता था कि जो इंसिडेंट हुआ है अनिल जो हरी सिंह है उसका पैसा चोरी करके भागा है तो उसे नहीं दिखाना चाहता था वो उसने एक्सेप्ट किया हरी सिंह को ओपन आर्म्स अपनी खुली बाहों से खुली बाजुओं से दस अ वेल इंटरशनल पर्सन ट्राइज टू रिफॉर्म टीन एजर्स हु हैड ड्राइव फ्रॉम अ करेक्ट पथ देखिए इस तरह से एक जो अच्छा इंसान होता है वो दूसरे जो एक युवा है जो गलत रास्ते पर है उसे सही रास्ते पर लाने के लिए जो करप्ट रास्ते पर है उसे सही रास्ते पर लाने के लिए उसने ऐसा किया देखिए अगर वो उसे पनिश करता उसे अगले दिन उसे मारता पीटता कि तुमने मेरी चोरी कर दिला तो वो कभी भी अच्छा इंसान नहीं बन पाता लेकिन अनिल ने ऐसा दिखा दिया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है कि क्या हुआ था तो इसलिए वो जो हरी सिंह था एक अच्छा इंसान बनने में उसे इस बात से मदद मिली आगे हम इस पूरी स्टोरी को पढ़ते हैं आगे अनिल वो स्लीपिंग पीसफुल जो अनिल अनिल था जो राइटर है जैसा हमें पता है कि अनिल एक स्ट्रगलिंग राइटर है वो आराम से सो रहा था शांतिपुर माई हैंड स्लिड अंडर द मैटर्स जो मेरे हाथ थे ये माई माई हैंड किसके लिए बोला गया है ये थीफ जो हरी सिंह है वो बोल रहा है कि मेरे हाथ मैंने मैटर्स मतलब गद्दों के अंदर डाले सर्चिंग फॉर द नोट्स मैं नोट ढूंढने के लिए मैंने गद्दे के नीचे अपने हाथ डाले वह नहीं फाउंड दैम जब मैंने उन्हें पा लिया मैंने उन्हें ढूंढ लिया आई ड्रू दैम आउट विदाउट आ साउंड मैंने बिना आवाज़ के उन्हें धीरे से अपनी तरफ खिसका लिया आई वॉज स्टार्टड एंड क्विकली ट्रोल्ड आउट द रूम मैंने धीरे से आराम मैं मतलब क्विकली तेजी से और रेंगता हुआ क्रोल बोलते हैं रेंगता हुआ मैं रूम से बाहर निकला वैन आई वॉज ऑन द रोड जब मैं रोड पर था आई बिगन टू रन मैंने दौड़ना शुरू किया आई स्लोड डाउन टू वॉक एंड काउंट द नोट मैंने थोड़ा रुक कर जब चलना शुरू किया तो मैंने नोट गिनने शुरू किए तो छः सौ सिक्स हंड्रेड रुपीज़ इन फिफ्टीज देखियो पचास पचास के नोट थे जो छः सौ रुपये थे टोटल मिलाकर आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फोर अ वीक और टू वो कहता है हरी सिंह के इन पैसों से जितने अरब देश के जो ऑयल रिच आदमी होते हैं आपको पता है कि अरब देश में तेल बहुत होता है तो वहाँ के जो जो वहाँ के अमीर लोग होते हैं मैं उनकी तरह एक या दो वीक इन फसों से अच्छी तरह से गुजार सकता हूँ यानी यानी कि इतना अमीर होकर इतनी ऐशो आराम में वे आई रीच द स्टेशन जब मैं स्टेशन पहुँचा द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट तभी लखनऊ एक्सप्रेस तभी स्टेशन से निकली थी द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड ट्रेन ने अभी अभी ही अभी ही पकड़ी थी स्पीड ट्रेन ने यानी कि अभी चलना शुरू किया था आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरिज मैं चाहता तो कूद कर भाग कर उसके किसी कैरिज यानी डब्बे में रेल के डब्बे में घुस सकता था बट आई हेजिटेट लेकिन मुझे झिझक हुई फॉर सम रीजन किसी कारण से मुझे झिझक हुई आई कॉन्ट एक्सप्लेन मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो क्या था एंड आई लोड द चांस टू गेट अवे और मैंने इस तरह से भागने का जो चांस था वो खो दिया मैंने द ट्रेन गोन जब ट्रेन चली गई आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन और द डेजर्टिड प्लेटफॉर्म देखिए मैंने खुद को पाया अकेला उस डेजर्ट बोलते हैं खाली सुनसान पड़े हुए प्लेटफॉर्म पर मैंने खुद को अकेला पाया क्योंकि सभी सवारी चली गई थी रात का टाइम था आई हैव नो आइडिया वेयर आई स्पेंड द नाइट मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे पूरी रात कहाँ गुजारनी है द ओनली पर्सन आई नो एक अकेला इंसान एक इकलौता इंसान वही था जिसे मैं जानता था बहुत अच्छी तरीके से रियली really वेल well, uh, the द मैन आई हैोड वो वही था जिसको मैं अभी अभी लूट कर आया हूँ उसे खुद रियलाइज़ हुआ कि मैं कहाँ रुकूंगा. जिसको मैं जानता हूँ उसको तो मैं लूट कर आ गया तो अब मैं कहाँ बिताऊँगा अपनी पूरी रात अब आगे बढ़ना शुरू करते हैं इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ मेरा जो छोटा सा जो करियर था एक चोर के रूप में मेरा जो कार्यकाल था चोर का आई हैड मेड आई स्टडी ऑफ मैन फेस मैंने लोगों के चेहरों को पढ़ना सीख लिया था वैन दे हैड लोस्ट दे आर गुड्स जब वो उनका जब उनका कोई सामान खोता है तो उनका चेहरा क्या बोलता है वो मैंने पढ़ना सीख लिया था द ग्रेडी मैन शोड फियर जो लालची लोग होते हैं उनके चेहरे से डर झलकता है द रिच मैन शोड एंगर और जो अमीर लोग होते हैं जब वो चोरी जब उनकी चोरी होती है कोई सामान तो वो एंगर गुस्सा दिखाते हैं द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस देखिए और जो गरीब लोग होते हैं वो इसे अपना भाग्य समझकर उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको बड़ी जल्दी ही एक्सेप्ट कर लेते हैं बट आई नो दैट अनिल फेस लेकिन अब मैं जानता था कि अनिल का चेहरा वैन ई डिस्कवर्ड थे जब उसे पता चलेगा कि मैंने चोरी की है इस चोरी के बारे में वुड शो ओनली टू टच ऑफ सैडनेस सिर्फ उसे एक दुख होगा इसको अनिल को सिर्फ दुख होगा नॉट फॉर लॉस ऑफ मनी वो दुख होगा जो दुख होगा वो पैसा खोने का दुख नहीं होगा बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट ये दुख होगा विश्वास खोने का जो विश्वास अनिल हरी पर करता था उस विश्वास को खोने का उसे उसके चेहरे पर गम होगा ये बात हरी सिंह सोच रहा है अनिल के बारे में आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डन द बेंच मैंने अपने आप को मैदान में पाया और मैं एक बेंच पर बैठ गया द नाइट वॉज चिली जो रास्त रात थी वो बहुत ठंडी थी इट वॉज़ अर्ली नवंबर ये नवंबर की बात है शुरुआती नवंबर के महीने की बात है एंड द लाइट इज लिंक एडिंग टू माई डिस्कम्फर्ट जो लाइट चमक रही थी वो मुझे डिस्कम्फर्ट कर रही थी मुझे इससे मतलब मुझे परेशानी हो रही थी सोन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली और जल्दी ही बारिश होनी शुरू हो गई आई फेल फॉर आई फेल फॉर द नोट्स मैंने नोटों को महसूस किया दे वर डैम फ्रोम द रेन वो बारिश से भीग गए थे अनिल्स मनी अनिल का जो पैसा था जो वो बारिश से भीग गया था इन द मॉर्निंग ही वुड प्रॉबली हैव गिवन मी टू और थ्री रुपीज़ टू गो सिनेमा वो वो बैठा बैठा सोच रहा है वहाँ पर कि अगर मैं घर पे होता वहाँ होता तो वो मुझे सुबह ज़रूर दो तीन रुपये देता कि मैं सिनेमा चला जाऊँ सिनेमा देखने के लिए मुझे वो जरूर दो तीन रुपए देता देखिए अभी भी उसके माइंड में वही बात चल रही है क्योंकि तो उसे लग रहा है कि उसने गलत किया है बट नाउ आई हैड इट ऑल लेकिन वो कहता है कि लेकिन अब तो मेरे पास ये सारे पैसे हैं आई कुड नॉट कुक फिज मील अब अब मुझे उसे खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा रन द बाज़ार टू लर्न और मुझे बाजार भी नहीं जाना पड़ेगा और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर लेकिन मैं अब पढ़ना और लिखना नहीं सीख पाऊँगा और मुझे न, और मैं फुल सेंटेंस पूरा सेंटेंस बनाना मैं अब कभी नहीं सीख पाऊंगा क्योंकि कोई मुझे सिखाएगा नहीं अब आई हैड फोर गोटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट मैं चोरी के एक्साइटमेंट में उत्सुकता में वो सब भूल चुका था कि अगर मैं भाग गया यहाँ से चला गया तो मुझे लिखना पढ़ना कौन सिखाएगा फुल सेंटेंस आई नो कुड कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़ वो कहता है कि पूरा सेंटेंस अगर मैं सीख लूँगा तो मुझे मालूम है कि कुछ ही दिनों में मुझे ये फ्यू हंड्रेड रुपीज़ कुछ हज़ार रुपये तक भी मुझे वो कमाना सिखा देंगे मैं मतलब कि मेरा पूरा सेंटेंस लिखना अगर मुझे आ जाएगा तो मुझे कहीं जॉब मिल जाएगी और मुझे कहीं ना कहीं हंड्रेड रुपीज़ भी मिलना शुरू हो जाएंगे आई शुड गो बैक टू अनिलील इसलिए मुझे अनिल के पास जाना चाहिए आई टोल्ड माई सेल्फ मैंने खुद से कहा इफ ओनली टू लर्न टू रीड टू राइट क्योंकि मुझे सिर्फ लर, पढ़ना और लिखना सीखना है थर्ड पैराग्राफ में देखिए आई हरीद बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस मैं हरीद जल्दी में दौड़ा रूम की तरफ और मैं बहुत नर्वस फील कर रहा था बहुत नर्वस फील कर रहा था वो फोर इट इज मत सो इजीर टू स्टिल समथिंग देन द रिटर्न इट्स अनडिटेक्टेड देखिए किसी का कुछ भी चुराना चोरी करना बड़ा आसान है वापस उसी चीज़ को उसी जगह पे रख देने रख देने से मुश्किल यानी कि चोरी करना बहुत आसान है लेकिन वापस उसी सामान को उसे बिना किसी शक के वहीं पर रखना बहुत मुश्किल है अनिल वॉज स्टिल स्लीप जो अनिल था अभी भी सो रहा था आई क्रैप टू दैड ऑफ द बैड मैन खिसक कर बैड के हेड की तरफ यानी सिरानी की तरफ गया एंड माई हैंड कम टू अब विद द नोट्स मैंने अपने हाथों से मैंने मैंने अपने हाथ नोटों पर रखे देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैटर्स और मैंने फिर मैंने अपने हाथ को गद्दे के किनारे पर पाया एंड स्लीप अंडर इट विद द नोट्स और मैंने उन नोटों को गद्दे के अंदर खिसका दिया यानी कि मैंने मैं बैठ के सिराने आया और मैंने अपने हाथों में नोट लिए और उसे खिसकाता हुआ बैठ के जो गद्दे थे उनके नीचे स्लिप करके फिसला कर उन, उनके नीचे ले गया और उन नोटों को वहीं छोड़ दिया आई आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड that मैं अगली सुबह थोड़ा लेट उठा देखिए वो लेट इसलिए उठा क्योंकि पूरी रात वो भाग दौड़ में रहा कभी स्टेशन गया वापस आया भीगा तो वो लेट उठा उसने देखा फाइंड दैट अनिल हैज़ ऑलरेडी द टी उसने देखा कि अनिल ने पहले से ही चाय बना दी है यानी कि चाय बना चुका था अनिल ही स्ट्रेच आउट हिज एंड टू मी उसने मेर अपना हाथ मेरी तरफ खींचा देयर वॉज अ फिफ्टी रुपीज़ नोट बिटवीन द फिंगर्स उसकी हाथ उसकी उंगलियों के बीच में पचास का नोट था माई हार्ट सेंग मेरा मेरे हृदय ने सुखुड़ना शुरू कर दिया मेरा हृदय डर की वजह से सुखुड़ गया मैं डर गया आई थॉट मैंने सोचा आई हैड बीन डिस्कवर्ड मेरा मेरी पोल खुल गई है मेरी बात का पता चल गया है आई मेक सम मनी स्टडे ही एक्सप्लेन उसने एक्सप्लेन किया बताया कि मैंने कल कुछ पैसा कमाया था नाओ यू विल बी पेड रेगुलरली इसलिए अब मैं तुम्हें रेगुलर यानी कि हमेशा पेड करूँगा पैसे दिया करूँगा मैं स्पिड रोज मेरी जो आत्मा थी वो खिल उठी बट वैन आई लुक द नोट जब मैंने लेकिन जब मैंने टुक द नोट जब मैंने टुक द नोट मतलब जब मैंने पैसे लिए आईसा इट वॉज स्टिल वेट मैंने देखा कि वो अभी भी, भी भीगे हुए थे फ्रॉम द नाइट से जो रात की बारिश में भीगे थे तो अभी भी नोट गीले थे टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस उसने कहा कि आज हमें ही सैड किसने यानी कि अनिल सिंह ने कहा कि आज हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंस लिखना कि सेंटेंस कैसे लिखा जाता है किससे कहा हरी सिंह से कहा कि आज हम सेंटेंस लिखना सीखेंगे ही न्यू वो जानता था बट नीदर हिज लिप्स और नोर हिज आइज शोड एनी थिंग वो जानता था लेकिन उसके ना तो होटो ने कुछ कहा ना तो वो बोला और ना ही उसकी आँखों ने कुछ ऐसा दिखाया कि वो सब कुछ जानता था आई स्माइल एट द अनिल एट माई मोस्ट अपीलिंग वे मैं जैसे मुस्कराता हूँ अपीलिंग वे में मैं ऐसे ही मुस्कराया एंड द स्माइल वॉज कैन कैम बाई इट्सल्फ विदाउट माई अफोर्ट और इस बार जो मेरी हमेशा तो मैं लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए स्माइल करता हूँ ज़बरदस्ती स्माइल करता हूँ लेकिन हरी सिंह बोलता है जो इस बार जो मेरी स्माइल थी वो बिना मेरे किसी अफर्ट के अपने आप मेरे अंदर से आई थी वो नेचुरल थी तो इस तरह से हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है तो इस तरह से बच्चों देखा आपने अनिल सिंह ने नेकी करके अच्छाई करके एक चोर एक जो पंद्रह साल का लड़का जो चोर है अगर वो उसे डांटता मारता तो वो कभी चोरी रहता क्योंकि वो एक ही नजर है उसने उस बच्चे को दूसरे रास्ते पर लाया अच्छे रास्ते पर लाया तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं डिड द नरेटर रीच द स्टेशन देखिए नरेटर जो कहानी का लेखक है वो चोरी है हरी सिंह वो कहता है वो किस लिए स्टेशन पहुँचा क्यों पहुँचा स्टेशन इस इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों देखिए आंसर है नेरेटर रीच स्टेशन टू रन अवे फ्रॉम अनिल जो नेरेटर था वो स्टेशन पहुंचा वो भाग जाना चाहता था अनिल को छोड़कर बिकॉज ही हैज़ रोब्ड अनिल क्योंकि उसने अनिल को लूट लिया था क्वेश्चन नंबर टू का आंसर देखेंगे वाई डिड ही हेजिटेट टू कैच द ट्रेन उसे हजिटेट क्यों हो रही थी ट्रेन को पकड़ने में तो उसने क्या बोला है सेंटेंस इस आपकी स्टोरी में हरी सिंह सैड हरि सिंह ने कहा वैन आई रीच द स्टेशन मैं जब स्टेशन पहुंचा लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो निकल चुकी थी बट आई कैन जंप इन टू द कैरेज मैं लेकिन डिब्बे में छलंग लगा सकता था बट आई हेजिटेट फॉर सम रीज़न लेकिन मैं किसी किसी कारण से हेजिटेट हो रहा था झिझक रहा था आई कांट एक्सप्लेन मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता एंड आई लॉज द चांस टू गेट अवे इसलिए मैंने भाग जाने का चांस वो खो दिया क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर देखेंगे वॉय वॉज द स्पीकर स्टैंडिंग अलोन ऑन द प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म पर अकेला क्यों खड़ा था क्योंकि उसकी ट्रेन छूट गई थी उसने जानपुर उसका ट्रेन छोड़ दी थी अनिल एक्सपीरियंस एट द थीफ्ट हैज मेड देम अवेयर सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड बिकॉज ही हैज हेजिटेट टू गेट द ट्रेन क्योंकि उससे हेजीटेशन हो रही थी ट्रेन को पकड़ने में ट्रेन हैज़ लेफ्ट टू द स्टेशन जो ट्रेन थी उसने स्टेशन छोड़ दिया था ट्रेन चली गई थी सो ही वॉज स्टेडिंग अलोन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म इसलिए वो उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा था क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं वॉट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ द पीपल वेन दे रोड वो क्या बताता है वो बताता है अभी स्टोरी में अपने पढ़ा कि उसने वो बताता है कि मैंने लोगों के चेहरे को पढ़ना सीख लिया है उनका कैसा रिएक्शन होता है जब वो लुट जाते हैं या उनके उनकी कोई चोरी हो जाती है चीज़ तो देखिए हरी सिंह एक्सपीरियंस डेट थेप हैड मेड हिम अवेयर टू डिफरेंस ऑफ द रिएक्शन ऑफ द पीपल वैन दे रोप्ड उसे वो बताता है कि मुझे एक्सपीरियंस हो गया कि जब लोग चोरी हो जाती है उनकी या लूट लिए जाते हैं तो उनका रिएक्शन कैसा होता है देखिए अकॉर्डिंग टू हिम उसके अनुसार ग्रेडीमैन शो फियर ग्रेडीमैन जो होते हैं लालची लोग को उसके चेहरे पर डर दिखता है रिच मैन के चेहरे पर एंगर दिखता है और पुअर मैन के चेहरे पर एक्सेप्ट एक्सेप्टेंस दिखती है एक्सेप्टेंस होती है स्वीकार स्वीकारना किसी चीज़ को अपना कि चलो हो गया सो हो गया इस तरह से क्वेश्चन नंबर फाइव वाई डिड ही कम बैक टू पुट अनिल्स मनी बैक उसने क्यों सोचा कि अनिल का पैसा वापस रख दिया जाए देखिए ही थोट इफ यू रन अवे कुड नेवर लर्न हाउ टू राइट एंड रीड उसने सोचा कि अगर वो भाग जाता है तो वो कभी नहीं सीख पाएगा पढ़ना और लिखना ही नो इट कुड वन डे बिन ब्रिंग ही मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़ उसे उसे पता था वह जानता था कि अगर वो लिखना पढ़ना सीख लेगा तो उसे वो ऐसे ऐसे शोर पे कभी भी कमा लेगा किसी भी दिन कमा लेगा तो इसलिए वो वापस आ गया अनिल के पास क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं वाई डिड नरेटर हार्ट सिंक जो नरेटर का जो हार्ट है वो सुकड़ना क्यों शुरू हो गया डर से अभी लास्ट में हमने पढ़ा था क्या था देखिए हरी सिंह हार्ट सिंह बिकॉज ही थॉट अनिल डिस्कवर्ड अबाउट वॉट हैपन इन द लास्ट नाइट उसका हृदय सुखड़ना शुरू हो गया क्योंकि तो उसे लगा कि अनिल को पता चल गया कि लास्ट नाइट रात में क्या हुआ था क्वेश्चन नंबर सेवन देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेवन है ही न्यू वह जानता था बट नीदर हिज लिप्स और नोर आइज शोड एनीथिंग लेकिन उसकी आंखें आंखों ने ना ही उसके होटों ने कुछ कहा हु इज ही इन द एक्सट्रैक्ट इस एक्सट्रैक्ट में ही कौन है तो हमें पता है, ही इसमें अनिल है वट डिड ही नो उसे क्या पता था तो इसका आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवन का लास्ट है क्वेश्चन ये ही रेफर्स टू ही रेफर्स टू अनिल जो ही रेफर हुआ है ही जो बताता है वो अनिल के बारे में बताता है इन दिस एक्स्ट्रैक्ट इस एक्स्ट्रैक्ट में एक्स्ट्रैक्ट बोलते हैं कोई भी कहानी का छोटा सा जो पार्ट होता है उसे एक्स्ट्रैक्ट बोलते हैं किसी बड़ी चीज़ का छोटा पार्ट एंड ही नो अबाउट दैट उस और वो जान गया कि हरी सिंह ने उसके पैसे चुराए थे पिछली रात को अब क्वेश्चन नंबर एट देख लेते हैं जो कि आपके सिनेनिम्स और एंटोनिम्स हैं क्वेश्चन नंबर एट तो इसमें है ही नहीं नाइन है सीधा तो नाइन है फाइंड द एंटोनिम्स एंटोनिम्स बोलते हैं विलोम शब्द विलोम शब्द तो विलोम शब्द देख लेते हैं बच्चों क्राउडेड क्राउडेड होता है भीड़ बड़ा और देखिए डेजर्टेड होता है सुनसान जो डेजर्टेड प्लेटफॉर्म बोला गया इसमें हिड होता है छुपाना और शोड होता है दिखाना तो ये हिड हिडन की सेकंड फॉर्म हाइड की सेकंड फॉर्म है हिड ऐसी है इसको हमने शो की सेकंड फॉर्म शोड लगाई है आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर टेन में देखते हैं सिनेानिम्स होते हैं समानार्थी शब्द इनको देखते हैं रिवील्ड होता है किसी चीज़ को रिवील यानी कि खोल देना मतलब एकदम ओपन कर देना ऐसे ही शोड होता है किस चीज़ को ओपन कर देना और इसका एंटोनिम्स क्या होगा हिडन शोल होती है आत्मा और स्प्रिट होती है आत्मा तो इस तरह से हमने आज की वर्कशीट को सोल्व कर लिया है बच्चों आपके सी की तरफ से कोविड अप्रोप्रेट बिहेवियर की तरफ से आपको एक मैसेज है टू स्टे सेफ इन फाइट अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन वी एर मास्क आपको कोविड नाइन्टीन के अगेंस्ट लड़ने से जो लड़ाई है जो हमारी मुहिम है इसके लिए आपको मास्क पहनना है और खुद को सेफ रखना है और बाकी सबको भी सेफ़ रखना है खुद से तो इस तरह से बच्चों हमारी आज की वर्कशीट कम्प्लीट होती है तो आपको आज की वर्कशीट आसान लगी होगी आपको समझ आई होगी आज की वर्कशीट तो बेटा अगर आपको वर्कशीट समझ आई हो मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आपको आने वाली जो आगे आने वाली वर्कशीट है उनका नोटिफिकेशन पहले ही मिलता रहे और आपको अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पहले ही मिलते रहें